ये मिठाई जितनी टेस्टी है उतनी ही बनाने में इजी भी है। अगर आपका मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है तो एक बार ये मैंगो चीज़ रोल ज़रूर बनाकर देखिए। तो इसको कैसे बनाते हैं चलो देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर ले लीजिए 1 कप पनीर, पनीर फ्रेश होना चाहिए, और जो पनीर लिया है उसको अच्छे से मैश कर लीजिए। जब ये अच्छे से मैश हो जाए तो उसको कुछ इस तरीके से चिकना कर लीजिए। पनीर अच्छे से चिकना हो गया है, अब उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून शुगर। यहाँ पर मैंने शुगर की क्वांटिटी कम रखी है, अगर आपको ज़्यादा स्वीट पसंद है तो आप थोड़ी सी और शुगर डाल सकते हो। शुगर डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फिर जो पनीर रेडी किया है उसके कुछ इस तरीके से बॉल्स बना लीजिए। ये सारी बॉल्स रेडी है, अभी यहाँ पर ले लीजिए 1 मैंगो और उसको अच्छे से छील लीजिए। और उसके अब हम काटेंगे पतले स्लाइस कुछ इस तरीके से। स्लाइस ना तो बहुत पतले हो और ना ही बहुत मोटे हो। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने स्लाइस काट लिए हैं। अब रेडी करेंगे रोल्स। स्लाइस लीजिए मैंगो का और उस पे रख दीजिए पनीर की बॉल्स जो हमने रेडी किए थे, और उनको कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। ये देखिए बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो जाते हैं और टूथपिक की मदद से इनको पैक कर दीजिए। इस तरीके से यहाँ पर रोल्स रेडी कर लीजिए। और फिर मैंने लिया है चांदी का वर्क, ये ऑप्शनल है। इस तरीके से सारे रोल्स पे चांदी के वर्क को डेकोरेट कर दीजिए। फिर ली है मैंने गुलाब की पत्तियाँ और उनको इस तरीके से टूथपिक में लगा दीजिए। अब ऊपर से डाल दीजिए रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए। मैंगो चीज रोल रेडी है ना बहुत इजी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Thank you so much.